स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो का लेकर आज के आपके लिए एक न्यू ब्लॉग। दोस्तों पहला ब्लॉग हमारे चैनल का। दोस्तों आज के ब्लॉग में अंदर हम करने वाले हैं दोस्तों ये पतंग हमारे पास कुछ है, देख सकते हो पिछले साल की पड़ी हुई है। दोस्तों अभी कुछ ही पतंग उड़ रही है तो इनका टेस्ट करेंगे। दोस्तों पिछले साल का मोनोवाइट फाइटर का येलो रंग का मांजा है, पिछले साल का पड़ा हुआ है, इसको भी टेस्ट करके देखेंगे अभी। दोस्तों फटाफट से उठाते हैं इसको। अगर चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर पहले कन्या कैसे डालते हैं। तो हमने दो पहले बता देता हूँ आपको छेद कैसे किए। तो एक आपको इधर करना है छेद, तो एक इस कन्या के मतलब लकड़ी के नीचे एक छेद करना है, एक लकड़ी के ऊपर करना है, और दोस्तों इधर नीचे नीचे की तरफ दो छेद करने हैं। तो अब छेद करने के बाद में दोस्तों एक हाथ जितना वांजा लेना है आपको। दोस्तों मैंने ले लिया इतना वांजा ले लिया मैंने एक हाथ जितना वांजा। और दोस्तों इसको मैं बांध लेता हूँ पहले इस छेद से, इस छेद से छेद के अंदर मैं मांजा बांध लेता हूँ। इस लकड़ी को बांधना है समय दोस्तों आपको, तभी दोस्तों आपके मतलब अच्छी तरह से पतंग उड़ेगी। एक ऊपर वाले छेदों को तो हमने बांध लिया, नीचे वाले को बांध लेते हैं हम। दोस्तों दोस्तों दो घंटे मैंने लगाई है, आप तो तीन भी लगा सकते हो। दोस्तों अब दोस्तों मेन बात है दोस्तों, देख सकते हो ये मैंने इतना बड़ा मांजा डाल लिया इसके अंदर। अब दोस्तों इसको बराबर करना है एकदम सेंटर के अंदर। दोस्तों पहले आगे की तरफ इसने छेद जितना इसको मांजा ले लेना है, फिर दोस्तों उतना ही पीछे की तरफ लेना है, फिर दोस्तों हल्का सा ऊपर की तरफ ले लेना है, फिर दोस्तों इसमें गांठ बांध देनी है। दोस्तों हमारा ये करना रेडी हो चुका है। दोस्तों अब दोस्तों इसको उठाकर दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हो एक पतंग हमने काट दिया, इसलिए मतलब पिछला साल का मांजा है जो अभी तक भी काम आ रहा है अच्छी तरह से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।